फ्रेंड्स, आज हम लेसन नंबर 1 सब्जेक्ट साइंस का टाइप ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। प्लांट के प्रकार, वी से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट अराउंड अस। हम अपने आजू बाजू में चारों ओर क्या देखते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, प्लांट के डिफरेंट प्रकार देखते हैं। प्लांट आर क्लासिफाइड टू बी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑन द बेसिस ऑफ द साइज एंड सेप। पेड़ पौधों को उनके आकार और आकार के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। अब हम ट्री के बारे में जानेंगे। ट्री आर बिग एंड टाल प्लांट। ट्री कैसे है? एकदम बिग है, मीन्स बड़ा पेड़ है और उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा है, मीन्स टाल है, टाल प्लांट है। ये जो पीपल ट्री देख रहे हैं आप, बनियन ट्री, कोकोनट ट्री, ये कैसे है? बिग है और टाल प्लांट भी है। दे हैव मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इनको एक मेन स्टेम होती है। मेन स्टेम किसे कहेंगे? ये देखो, ये जो है इसे हम मेन स्टेम कहते हैं। ये मेन स्टेम मीन्स इसे हिंदी में मुख्य तना कहते हैं और मराठी में इसे खोड़ कहते हैं। ये लकड़ी का खोड़ है ना, इसे मेन स्टेम कहते हैं। तो ये मेन स्टेम को ही ट्रंक भी कहते हैं। दे हैव अ मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इसे ट्रंक भी कहते हैं, इस मेन स्टेम को। दिस इज थिक ब्राउन स्ट्रॉन्ग एंड वुडी। यह कैसी है? थिक है, मीन्स बहुत मोटी मोटी है और ऊपर से स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी है। और ये ब्राउन कलर की है, मजबूत है और लकड़ी का भी है, जिससे ये ट्री के जो लकड़ियाँ बहुत मोटे मोटे होते हैं, इससे अलमारी वगैरह ऐसे कुछ बनाया जाता है। इनमें मेन स्टेम होते हैं। ओके, मेनी ब्रांचेस कम आउट ऑफ द थिक ट्रंक। ये जो थिक ट्रंक है इससे मेनी ब्रांचेस आती है, इसके ऊपर रहती है। मेनी ब्रांचेस कहाँ रहती है? मेन स्टेम के ऊपर रहती है मेनी ब्रांचेस। सम ट्री हैव नो ब्रांचेस लाइक कोकोनट एंड डेट पाम। कुछ पेड़ ऐसे हैं जैसे कि कोकोनट है, डेट पाम है। तो डेट पाम मीन्स खजूर का पेड़ और ये कोकोनट मीन्स ये नारियल का पेड़ दिखाया है। इसमें ब्रांचेस नहीं होती। ट्री हैव नो ब्रांचेस, उनमें कोई ब्रांचेस नहीं होती। द हाइट ऑफ ट्री इज अप टू 20 meters। इनकी जो हाइट होती है 20 meter होती है। 20 meter ये जो पेड़ है, इनकी जो ऊंचाई होती है वो 20 meter की होती है। दे लिव फॉर मेनी ईयर। ये तीनों भी पेड़ जो है, पीपल का पेड़ है, बनियन का पेड़ है, कोकोनट का है, मैंगो का है, तो इन सब का जो पेड़ है ये बहुत सालों तक जीवित रहते हैं। अब हम श्रब के बारे में पढ़ेंगे। श्रब क्या है? ये जो ट्री है, ट्री से भी बहुत छोटे रहते हैं, उन्हें हम श्रब कहते हैं। छोटे पेड़ जो झाड़ियाँ वाले पेड़ रहते हैं उनको हम श्रब्स कहते हैं। श्रब्स मीन्स झाड़ियाँ। श्रब्स आर ओडी बूसी प्लांट स्मॉलर देन द ट्री। श्रब्स, ये जो श्रब्स है झाड़ियों वाले पेड़, कौन से हैं देखो। पहले रोज प्लांट, हिबिक्स प्लांट, ऑरेंज प्लांट, ये जो तीनों प्लांट्स हैं इनको हम श्रब्स कहते हैं। श्रब्स प्लांट जो होते हैं झाड़ियों वाले प्लांट, इन्हें क्या क्या कहते हैं? श्रब्स आर उड़ी, श्रब्स उड़ी होते हैं और ये बूसी प्लांट भी होते हैं और स्मॉलर दैन द ट्री। ये जो ट्री है, ट्री से भी ये बहुत स्मॉलर होते हैं, मीन्स बहुत छोटे होते हैं। श्रब्स हैव नो मेन स्टेम। ये जो श्रब्स है पेड़, छोटे पेड़, इनको मेन स्टेम नहीं होती। और जैसे कि पीपल के पेड़ को मेन स्टेम होती है, मेन स्टेम के ऊपर ब्रांचेस होती है, तो यहाँ पर मेन स्टेम नहीं होती और विदाउट मेन स्टेम के ही बहुत सारी ब्रांचेस होती है। इसका मतलब श्रब्स हैव नो मेन स्टेम, इसको मेन स्टेम नहीं होती। दे हैव सेवरल मेन स्टेम, इसको
बहुत सारी मेन स्टेम होती है, एकज मेन स्टेम, जैसे कि यहाँ पर एक ही मेन स्टेम है, यहाँ पर एक ही मेन स्टेम है क्या, नहीं, सेवरल मीन्स बहुत सारे मेन स्टेम होती है एट और नियर द ग्राउंड। जब भी ये ग्राउंड में जब ये उगता है तो उगने के बाद इसको बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उन्हीं को हम सेवरल मेन स्टेम कहते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती है इनमें। द हाइट ऑफ श्रब्स इन अप टू 6 मीटर, इनकी जो हाइट होती है वो 6 मीटर की ही होती है। हमने ऊपर देखा कि पीपल के पेड़ों की हाइट कितनी होती है, 20 मीटर तक होती है, तो ये जो श्रब्स पेड़ है इनकी जो हाइट होती है ये उनसे भी बहुत कम होती है, 6 मीटर की ही होती है। दे आल्सो लिव फॉर मेनी ईयर बट लेस देन दैट ऑफ द ट्री। यह बहुत सालों तक जीवित भी रहते हैं, ये वाले जो पेड़ है ये मेनी ईयर तक जीवित रहते हैं, मीन्स बहुत सालों तक, वर्षों तक ये जीवित रहते हैं, बट लेस देन दैट ऑफ द ट्री। ये जो ट्री है ट्री से भी कम ही जीवित रहते हैं। तो आपको आज टाइप ऑफ प्लांट के बारे में हमने बताया कि प्लांट के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं, ट्रीज, श्रब, हर्ब्स, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर। तो अभी हम ट्री और हर्ब्स पढ़ चुके हैं, अगले लेसन में हम ये पढ़ेंगे हर्ब्स, क्लिम्बर्स एंड क्रीपर्स। ओके।